नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष में मैं दिशा सभी का स्वागत करती हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। वह देश के सातवीं और भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। वे राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो राजनीति में आए और देश के सबसे युवा पीएम के रूप में उनका नाम दर्ज हो गया। आज के दिन 1984 में 40 वर्ष की उम्र में भारत के सातवें प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वो एक एयरलाइन पायलट की नौकरी करते थे और उसी में खुश थे। आपातकाल के उपरांत जब इंदिरा गांधी को सत्ता छोड़नी पड़ी थी, वही साल 1980 में छोटे भाई संजय गांधी की हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद माता इंदिरा का सहयोग देने के लिए उन्होंने राजनीति में एंट्री की। राजीव गांधी संजय गांधी की लोकसभा सीट से सांसद बने। इसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वे प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी ने 1984 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने देश में कई ऐतिहासिक और परिवर्तन लाने वाले कदम उठाए। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने, दूरसंचार, कंप्यूटर में क्रांति और युवाओं को 18 साल में मताधिकार की राजीव गांधी ने शुरुआत की। यही कारण है कि आज भारत देश अग्रणी पंक्ति में खड़ा नजर आ रहा है। राजीव गांधी देश को एक नई दिशा दिखाने में जुटे थे, लेकिन वक्त से पहले वे दुनिया को छोड़ गए। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में 21 मई 1991 को आम चुनाव के प्रचार के दौरान एलटीटीई के एक आत्मघाती हमलावर ने उनकी हत्या कर दी। श्रीलाल शुक्ल को लखनऊ जनपद के समकालीन कथा साहित्य में उद्देश्यपूर्ण व्यंग लेखन के लिए विख्यात साहित्यकार माने जाते थे। उन्होंने 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। 1949 में राज्य सिविल सेवा में नौकरी शुरू की। 1983 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए। आज के दिन 1925 में उनका जन्म हुआ था। श्रीलाल शुक्ल का व्यक्तित्व अपने आप में मिसाल था। सहज लेकिन सतर्क, विनोदी लेकिन विद्वान, अनुशासन प्रिय लेकिन अराजक, श्रीलाल शुक्ल अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी भाषा के विद्वान थे। श्रीलाल शुक्ल संगीत की शास्त्रीय और सुगम दोनों पक्षों के रसिक मर्मज्ञ थे। कथाक्रम समारोह समिति के वह अध्यक्ष रहे। श्रीलाल शुक्ल जी ने गरीबी झेली, संघर्ष किया, मगर उसके विलाप से लेखन को नहीं भरा। उन्हें नई पीढ़ी भी सबसे ज्यादा पढ़ती है। वे नई पीढ़ी को सबसे अधिक समझने और पढ़ने वाले वरिष्ठ रचनाकारों में से एक है। न पढ़ने और लिखने के लिए लोग सैद्धांतिकी बनाते हैं। श्रीलाल जी का लिखना और पढ़ना रुका तो स्वास्थ्य के गंभीर कारणों के चलते। श्रीलाल शुक्ल का व्यक्तित्व बड़ा सहज था। वह हमेशा मुस्कुराकर सबका स्वागत करती थी, लेकिन अपनी बात बिना लाग लपेट कहते थे। व्यक्तित्व की इसी खूबी के चलते उन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए भी व्यवस्था पर करारी चोट करने वाली राग दरबारी जैसी रचना हिंदी साहित्य को दी। उनका विधिवत लेखन 1954 से शुरू होता है और इसी के साथ हिंदी गद्य का एक गौरवशाली अध्याय आकार लेने लगता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता तथा स्वतंत्रता सेनानी रविशंकर शुक्ल नवंबर 1956 को अस्तित्व में आए नए राज्य मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे। पंडित रविशंकर शुक्ल को नए मध्य प्रदेश के पुरोधा के रूप में स्मरण किया जाता है। आज के दिन 31 दिसंबर 1956 में उनका निधन हुआ था। शुक्ल और माता तुलसी देवी थी। रविशंकर शुक्ल ने 4 वर्ष की आयु में सागर स्थित सुंदरलाल पाठशाला में दाखिला लिया। ब्रिटिश राज में यह पाठशाला सिटी में स्थित 6 पाठशालाओं में से एक। इस पाठशाला से 8 वर्ष की आयु में रविशंकर जी की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हुई। रविशंकर जी की माध्यमिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद इनके पिता राजनगांव चले गए और अपने भाई पंडित गंगाधर शुक्ल के साथ बंगाल नागपुर कॉटन मिल में सहभागी हो गए। कुछ वर्ष मिल चलाने के बाद वे रायपुर चले गए। इस दौरान रविशंकर शुक्ल ने अपनी स्कूली शिक्षा रायपुर हाई स्कूल से पूर्ण की। पंडित रविशंकर शुक्ल ने इंटर की परीक्षा जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज से उत्तीर्ण की और फिर स्नातक की पढ़ाई नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज से पूर्ण की। नागपुर में पढ़ते हुए शुक्ल जी राष्ट्रीय आंदोलन के निकट आए। वर्ष 1898 में संपन्न हुए कांग्रेस के 13वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए वे अपने अध्यापक के साथ अमरावती गए थे। नागपुर से ही इन्होंने LLB की पढ़ाई पूरी की। बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।